โอมทักกะทามริตัมทักตะจีวนัมกะวิบิริดิตัมคัลมชาปหัมสราวณมังกลัมสีมดาตตัมบุวิกรันติเตบูริดาจนาหาश्री राम कृष्ण परम प्रेम में मग्न हुए भजन गा रहे हैं, जिसका भाव है चिंतन करने से भाव का उदय होता है। जैसा भाव होगा लाभ भी वैसा ही होगा। मूल है प्रत्यय। माँ काली के चरण सुधा सागर में यदि चित्त डूब जाए तो पूजा होम योग यज्ञ कुछ भी आवश्यक नहीं है। चिंतन करने से प्रेम भाव का स्वतः उदय होता है। साधना के ये तीन चरण हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन। पहले सत्य को, माँ काली के स्वरूप को जानना है, फिर मनन करके उसको जीवन में उतारना है, जिसका अर्थ है न राग न द्वेष की स्थिति में रहना है। मनन से चित्त पवित्र होता है, तमस और रजस का प्रकोप नष्ट होता है। जो मन बार बार विषयों के प्रति धन मान आदि के प्रति सुख सुविधाओं के प्रति भाग रहा है, वो वापस आता है, अंतर्मुखी होता है। समझ ये आती है मनन करने से कि सुख बाहर से कहीं से आता ही नहीं है। पूर्णता जो हम संसार से पाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कभी वहाँ से आ ही नहीं सकती। ये तो मन की स्थिति है, ये तो समझ की बात है कि बाहर से सुख आएगा, एक समझ है। सुख अंतर से, आत्मा से ही आता है, वही परमानंद का स्रोत है, ये दूसरी समझ है और ये सत्य समझ है। पहली वाली झूठ समझ है, एक भ्रम है। तो आप जब चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो मन में पवित्रता का उदय होता है। और फिर निधिध्यासन, ज्ञानी के लिए निधिध्यासन आत्मस्थिति, प्रेमी के लिए प्रेम में स्थिति, भाव में स्थिति, अखंड स्थिति, अविस्मृति। चाहे वो पथ ले लो, चाहे ये पथ ले लो, आपका जीवन परमात्मामय हो जाता है। समझने की बात ये है श्री राम कृष्ण की बात से कि बिना चिंतन मनन और ठीक समझ के, बिना पवित्रता के भाव का उदय नहीं हो पाता। क्षणिक तो हो जाता है। आप भजन सुन रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं, भजन खत्म हुआ और मन फिर खंडित हो गया,
फिर परिवार में चला गया या आपके कार्यों में संकल्पों में फिर से खो गया, तो क्षणिक एक बात है, स्थाई एक अलग ही स्थिति है। फिर कह रहे हैं कि योग यज्ञ होम इत्यादि इनकी ज़रूरत ही कहाँ रह जाएगी, जब ये भाव का उदय हो जाएगा, जब परम प्रेम की स्थिति हो जाएगी। बिल्कुल ठीक, पर तब तक, जब तक परम प्रेम की स्थिति न हो जाए, नियम आदि आवश्यक हैं। अगर मन अभी कच्चा है तो बस ये बात सुनकर नियम छोड़ देगा कि वो हमें तो नियम की ज़रूरत नहीं है, हम तो परम प्रेमी हैं भगवान के, हम तो शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हैं, जैसी बातें बघारने लग जाएगा। पर मन के अनकॉन्शियस में संसार का महत्व हो सकता है बहुत ज़्यादा बना हुआ है, इसलिए सुख दुख आदि जो द्वंद्व हैं, मान अपमान, लाभ हानि, हार जीत, कोई मुझे प्यार करता है, कोई प्यार नहीं करता है, अनेक प्रकार के द्वंद्व हैं मन में, वो सब के सब एक्टिव रहते हैं। जब ज्ञान और प्रेम कच्चा है तो ये सब एक्टिव हैं, तो ये आपकी अविस्मृति अखंड स्थिति नहीं बनने देते हैं। तो दोनों बातें साथ साथ में, भक्ति के लिए प्रार्थना, इतना परिपक्व कोई नहीं है कि नियम छोड़ दे, जब समाधि लग जाएगी तब की तब देखेंगे, प्रेम समाधि लगे या ज्ञान समाधि, निर्विकल्प लगे कि सविकल्प, तब तक मन की पवित्रता को बहुत महत्व दें, अनासक्ति वैराग्य को बहुत महत्व दें, मन के अंतर्मुखी होने को बहुत महत्व दें, किसी में दोष दृष्टि न रखने को बहुत महत्व दें। भगवान हम पर कृपा करें कि हमारी साधना परिपक्व हो और हमें प्रेम भाव और ज्ञान भाव, एक ज्ञानी भक्त की स्थिति मिले। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामकृष्णार्पणमस्तु, हरि ओम तत्सत्।